ये कौम की बच्चियों का दर्द है जो मिंबर तक आ गया पर्ची की शक्ल में कि सरकार आपको एक तरफ तो खूब अधी से पढ़ते इल्म हासिल करो इल्म हासिल करो, अब्बा हुजूर जाने नहीं देते, भाई यूनिवर्सिटी पे तैयार नहीं, चाचा हॉस्टल नहीं जा रहे, हम कैसे तरक्की करें कैसे पढ़ाई करें, इसमें भी कुछ पढ़िए। तो मैं इस मिंबर के पास से इन मोमिनीन की मौजूदगी में दस्ते अदब छोड़ के एक जुमा के लाओ, खुदा की कसम दुनिया का कोई भाई बाप ये नहीं चाहता कि उसकी बेटी या बहन जाहिल रह जाए। फिर पढ़ने को नहीं देते, जाने को नहीं देते, हॉस्टल यूनिवर्सिटी स्कूल क्यों नहीं जाने देते। तो मैं बताऊं, कायनात के हर भाई बाप चचा की नजर मुआशरे में है, समाज में है, ये अपनी इज्जत को लेकर डरते हैं। बेटियां पूरी मुआशरा खराब है तो आप क्या करें, हमसे क्यों डरते हैं। तो अब मुझे भी बोलने का हक है कि मेरी कौम की बहनें और बेटियां सुने, दराती बच्चे डरते क्यों है आपको पता है, क्यों डरते हैं, असल में डरते इसलिए कि इन्होंने पिछले 24 घंटे का रिकॉर्ड अपनी नजरों में बसाया है। और क्या मतलब, तो इन्होंने देखा कि आजाद का वक्त हो गया मगर मेरी बेटी का टीवी अभी तक बंद नहीं हुआ। अच्छा और क्या देखा, कई भाई ने महसूस किया कि बाहर वाले कमरे में चार दोस्त बैठे थे लेकिन अंदर से बहन के कहकहे की हंसने की इतनी तेज आवाज आई कि भाई के शर्म से सर झुक गए। महसूस करिएगा। अच्छा तो फिर हुआ क्या, कुराने आजा भाई बाप डर गए, क्या डर गए, कहीं सोच के डर गए कि जब घर की चार दीवारी में पर तहजीबी इतनी ज्यादा हो गई है, जब घर की चार दीवारी में पर तहजीबी इतनी ज्यादा हो गई है तो अगर कहीं हमने इसकी नकेल ढीली कर दी, हॉस्टल पहुंचा दिया, यूनिवर्सिटी पहुंचा दिया तो कहीं हमारा दामन इज्जत दार कहां का होगा। जाके कह दिया एंटर हो गया बस, ग्रेजुएट हो नहीं सकता, पोस्ट ग्रेजुएट हो नहीं बस, अब नहीं पढ़ना, नहीं जाना हॉस्टल, नहीं जाना यूनिवर्सिटी। अच्छा तो हदीस के खिलाफ खड़े हो गए, तो खिलाफ नहीं खड़े हो गए, अपनी इज्जत को लेकर डर गए। लिहाजा भाई और बाप का इतराज करने से पहले मेरी कौम की बच्चियों और बहनों तक ये पैगाम पहुंचना चाहिए कि लीला सीरत जनाबे सहारा को पढ़कर अपने किरदार में वो इंकलाब पैदा कर दो कि तुम सबसे पहले अपने किरदार का वो अपने घर में बनवा लो, जिस दिन तुमने अपनी शराफत अपनी इज्जत अपनी इज्जत अपनी बर्दाश्त अपनी इबादत पर